शिवनी के ग्राम बखारी में बंडोल थाना प्रभारी पंचम लाल देशमुख के द्वारा ग्राम पंचायत भवन बखारी में शांति सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों, पत्रकार बंधुओं, होली उत्सव समिति सदस्यों एवं मुस्लिम कमेटी पदाधिकारियों की आगामी दिनों में मनाए जाने वाले होली, होलिका दहन, रंग पंचमी एवं मुस्लिम त्योहार सबे बारात को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति का आयोजन किया गया, जिसमें बंडोल थाना प्रभारी पंचम लाल देशमुख के द्वारा त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से समस्त ग्रामवासियों को मनाने को कहा गया। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। ग्राम के प्रतिष्ठित लोगों की एक बैठक लाई आई, जिसमें शांति समिति की बैठक का आयोजन आज ग्राम बखारी में किया गया था। इसमें आगामी 17 और 18 तारीख को होली और धुलेंडी का त्यौहार मनाया जाना है, और 18 तारीख को धुलेंडी का त्यौहार है, उसी दिन जुमे बारात का भी लकी हुई नमाज पढ़ी जाती है। इसी त्यौहार के मध्य शांति समिति की बैठक आज हमने गांव वालों की बुलाई थी, जिसमें होली में होली कैसी मनाई जाए, होली के त्यौहार में रंग गुलाल का उपयोग कैसे किया जाए, होली जलाने का समय और रंग खेलने के संबंध में लोगों को बताया गया है। और मुझे आशा है कि ग्रामवासी शांति समिति में की बैठक में लिए गए नियमों का पालन करेंगे और होली के त्यौहार को हर्षोल्लास से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। इसी आशा के साथ ये शांति समिति की बैठक संपन्न होगी। SW24 चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासी, जिलेवासी और देशवासियों को होली की त्यौहार के पूर्व से ही आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग होली के त्यौहार को सब सारी बुराइयों को जैसा होली त्यौहार मनाने का चलन है कि पुरानी बुराइयों को होली के दिन समाप्त करके और अपना नया जीवन बिना बुराई के चालू करें, इसी के आधार पर वो होली का त्यौहार मनाए और शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्यौहार संपन्न कराए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।